आज हम उत्तराखंड के आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सड़क के किनारे स्थापित किए गए हैं। चाहे वो मंदिर भगवान हनुमान जी के हों या माता देवी के मंदिर हों, उत्तराखंड में वैसे तो अनेकों धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन एक ऐसी आस्था भी है जिसमें पहाड़ के जिस क्षेत्र में भी वाहनों से जुड़ी ज्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं, उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। लोगों का मानना है कि उस स्थान पर हनुमान जी या माता देवी की एक मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसके बाद उस स्थान पर सड़क हादसे बिल्कुल थम जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर निर्माण से दुर्घटना में मरने वालों की आत्माओं को भी शांति मिलती है और उसके बाद वहां पर कोई दुर्घटना नहीं होती है। इसका उदाहरण आपको नैनीताल सड़क पर कई जगह देखने को मिलेगा। नैनीताल सड़क पर दो गांव, नैना गांव और कई ऐसी जगह हैं जहां पर सड़क के किनारे दुर्घटना होने के बाद मंदिर स्थापित किए गए। जब से सड़क के किनारे यह मंदिर स्थापित किए गए, उसके बाद इन जगहों पर कोई भी दुर्घटना या सड़क हादसा नहीं हुआ। 18 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पवन सिंह और आज मैं उत्तराखंड के ऐसे मंदिरों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो मंदिर सड़क के किनारे स्थापित किए जा सकते हैं। मैं नैनीताल रोड पर इस वक्त हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर यहाँ पर इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि सालों वर्ष पहले जो है कई यहाँ पर दुर्घटनाएँ सड़क के किनारे हो जाती थी। पर्यटक जो है आते थे, उनकी गाड़ी जो है वो चट्टानों से, पहाड़ी से जो है वो नीचे गिर जाती थी। इसलिए सड़क के किनारे जब भी ये जो मंदिर है, चाहे वो हनुमान जी के मंदिर हो या देवी माता के मंदिर हो, उन उन मंदिरों को यहाँ पर स्थापित किया गया और उसके बाद जो है दुर्घटनाएं बेहद कम हुई। कुछ स्थानीय भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और ये मंदिर की कहानी क्या है पूरी? भाई साहब, मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ये होता था कि हर साल मतलब कुछ ना कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती थी, जैसे बस गिरना, कार गिरना, बाइक गिरना। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने मिलकर हनुमान जी का मंदिर बनाया, तो तब से मतलब ये दुर्घटनाएं कम होने लगी हैं, बिल्कुल बंद ही हो गई हैं। तो इस चक्कर से यहाँ पे मतलब हर साल मतलब यहाँ पे भंडारा भी होता है और रोज़ यहाँ मंदिर में पूजन होता है। अन्य भी मैंने कई जगह देखा जो है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर मनसा देवी माता का मंदिर है, बहुत सी जगहों पर ये मंदिर स्थापित किए गए। तो ये मंदिर इसलिए स्थापित करे गए हैं कि यहाँ पे मतलब दुर्घटनाएं होती रहती थी, जब से मतलब यहाँ पे स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाया तो दुर्घटनाएं बहुत कम होने लगी हैं। इस चक्कर से यहाँ पर मान्यता है कि मंदिर बनाने से दुर्घटनाएं कम होने लगी, तो इसलिए मंदिर की स्थापना की गई है। देखिए, आपने सुना ही होगा कि उत्तराखंड के जो है वो कण कण में देवताओं का वास है और यहाँ पर जो है सड़क के किनारे मंदिर स्थापित किए गए। गांव वालों ने एक सोचा कि यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है और जब से यहाँ पर मंदिर स्थापित किए गए तब से यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होना बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।